शहडोल जिले के हायर सेकेंडरी विद्यालय में प्रिंसिपल की मनमानी का मामला सामने आया है, जिसमें प्रिंसिपल एसडी श्रीवास्तव अधिकतर समय ड्यूटी से नदारद रहते हैं। हालांकि विद्यालय बंद होने के बाद शाम आकर दूसरी चाबी से ताला खोलकर उपस्थिति रजिस्टर में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा देते हैं। इतना ही नहीं, वह पिछला और आगे का एडवांस में हस्ताक्षर करते हैं। दरअसल ये पूरा मामला शहडोल जिला अंतर्गत विकास खंड सोहागपुर के ग्राम पंचायत लालपुर का है, जहां प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में कार्यालयीन कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं छात्रों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा है। सूचना का अधिकार की जानकारी नहीं मिल पाने जैसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मामले की जानकारी उच्च शिक्षा अधिकारियों को भी है, लेकिन प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने में विभाग को पसीना छूट रहा है। वो मेरे संकुल अंतर्गत आता है, सारी योजनाओं की जानकारी हम उनसे मांगते हैं। जानकारी ना मिलने पर और शिकायत मिलने पर स्कूल पर जाके चेक किया और हकीकत ये पाया कि वहाँ के जो प्रभारी प्राचार्य है सर्वेज दयाल जी, वो उस सब वक्त नहीं मिले जब जब हम जांच करने के लिए गए, और उससे संबंधित जितने भी हमको कागज़ मिले वो हमने सारे सबमिट कर अपने विभाग को सबमिट कर दिया। विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई, ये इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा। विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई, कब तक कर ली जाएगी, इस बारे में हम कुछ नहीं बता पाए। बता दिया है। आप इस ग्राम में क्या है? मैं इस ग्राम का प्रधान हूँ, सरपंच जिसे बोलते हैं। क्या समस्या है इस विद्यालय में? सर मैं, मेरे पास कई बच्चे आए थे, इसलिए मैं विद्यालय में 2-4 बार आए हूँ शिक्षकों के पास। क्या है, बच्चों को जैसे जब साल भर पढ़ाई करते हैं तो उनको एक उत्सुकता लगी रहती है कि मुझे मेरा रिजल्ट चाहिए, वही मार्क्स शीट चाहिए, कितना नंबर पाए। लेकिन मैं जब भी संपर्क करने की कोशिश किया, कोई स्कूल में जानकारी लेने से क्यों नहीं मिलता है, तो यहाँ पता चला कि प्रिंसिपल साहब के न रहने के वजह से कुछ है ना, उसके वजह से नहीं मिल रहा है। और कई बच्चों को ये भी शिकायत आया मेरे पास कि प्रिंसिपल साहब के न रहने की वजह से TC भी नहीं मिल पा रही है, जिससे बच्चों को और कई सारे शासकीय योजनाएं हैं जिसकी लाभ नहीं खुल रहा। और मैं ये भी देख रहा हूं कि जब से इन्होंने प्रभार में आए, इसके पहले मेरे इसी स्कूल के बच्चे जो थे, माननीय इसके पहले चंदेल सर जी थे, पांडे सर जी थे और चौधरी साहब थे, तो यहीं के बच्चे 92% रिजल्ट लाते थे दसवीं में। बारहवीं तो अभी हुआ है, लेकिन फिर बारहवीं में भी अच्छी सुधार हुई थी, लेकिन अब पढ़ाई के यहाँ स्तर भी गिर रहा है इनके आने से। यह इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही है। अगर क्योंकि अगर जैसे अगर हम प्रधान मुखिया हैं, अगर हम अपनी ग्राम पंचायत की यदि लापरवाही करेंगे तो हमारी ग्राम पंचायत, इसी तरह विद्यालय के मुखिया हैं, मतलब इनकी अगर बच्चों का स्तर गिर रहा है, जब बच्चे उठे थे और फिर अगर स्तर कर रहा है, तो सीधी बात है प्रिंसिपल की यहाँ कोई ना कोई समस्याएं, मतलब वे अच्छे से स्कूल नहीं देख पा रहे हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये तो वो अच्छा से स्कूल देखें, हैं अपने शिक्षकों को टाइमली जो कार्य है, जो कार्यालयीन कार्य है वो करें, है ना, और नहीं तो फिर आगे कार्रवाई भी हो सकती है। कुमार द्विवेदी है, मैं ग्राम लालपुर का रहने वाला हूँ, और मैं स्कूल हमेशा मेरा एक संपर्क बना रहता है स्कूल से, और ये करीब साल भर से चला आ रहा है कि जो हमारे श्रीवास्तव साहब प्रिंसिपल साहब हैं, ये लगातार अनुपस्थिति दर्ज ज़्यादा रहती है इनकी, उसके कारण बच्चों का भी पढ़ाई बाधित हो रहा है। इस समय तो TC भी नहीं मिल पा रही बच्चों को, उनका रिजल्ट भी नहीं मिल पा रहा है दस्तक न होने के कारण, छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, मतलब उनके न रहने से यहाँ जितने भी शासकीय योजना है प्रभावित हो रही है। और इनको मौखिक रूप से भी मैं कई बार बोला कि सर ये तो आप अपने ट्रांसफ़र करा लीजिए या तो आप समुचित व्यवस्थित रहिए आप, लेकिन तो हाजिरी रहती है उनकी। और हाजिरी क्या है, 2 चाबी है, 1 चाबी उनके पास रहती है, आधी रात को आते हैं दस्तखत करके चले जाते हैं, और ज़्यादा अच्छा है सर करता हूँ कि इनको या तो ट्रांसफ़र करा दिया जाए या तो घर बैठ के पेमेंट दिया जाए इनको, मतलब इससे हमारे शिक्षकों पर भी वो दुष्परिणाम हो रहा है ना भाई, जो मेहनत करता है वो उनको क्या मिल रहा है, उनको घर बैठे मिल रहा है। वो जब से उस प्रिंसिपल के प्रभार में आए हैं तब से विद्यालय में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। पूरा विद्यालय का जो कार्य है, बहुत सारे कार्य हैं वो रुका हुआ है। जो छात्र हितग्राही जो योजनाएँ चल रही हैं, शासकीय योजनाएँ चल रही हैं, उनको लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो छात्रवृत्ति का कार्य हो, चाहे वो साइकिल वितरण का कार्य हो, चाहे वो बच्चों के रिजल्ट वितरण का कार्य हो,
और बच्चों को जो टी सी लेने आते हैं उनके हस्ताक्षर से जो उनको मिलना है वो नहीं मिल पा रहा है। और जो अन्य भी शासकीय योजनाओं की जो जानकारी यहाँ से आई जाती दी जाती है, जानकारी मांगी जाती है शहरों से, वो जानकारी नहीं पहुँच पा रही है। इससे कार्य प्रभावित हो रहा है और बार बार अधिकारी पर दबाव पड़ रहा है कि अधिकारी आपके प्रिंसिपल कहाँ से मिलाते हैं। तो अब वो आते हैं और रात को शाम को आते हैं और खाली अटेंडेंस में उसके यहाँ हस्ताक्षर करके चले जाते हैं। क्या नाम है आपके प्रिंसिपल सर का? सर्विस दयाल श्रीवास्तव। तो इसकी शिकायत कहीं आप लोग जानकारी? इसकी शिकायत हमने नहीं की है क्योंकि यहाँ निरीक्षण करने अधिकारी खुद आए हैं और यहाँ जब शिकायत गाँव वाले किए हैं तो उन्होंने निरीक्षण किया है, देखा है, उपाया है कि हाँ ये जो हुआ है वो सही हो रहा है यहाँ पर। और ऐसी स्थिति में हम खुद परेशान हैं, हमारा काम स्कूल का रुका हुआ है, हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। बहरहाल मामला संज्ञान में आने के बाद भी अपने कर्तव्य से लापरवाह प्रिंसिपल पर जिला प्रशासन का हंटर चलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।